सब्सक्राइब कीजिए अपना ओकेला केयर चैनल और बेल आइकन दबाइए नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। साथियों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम है एमएस गोला और आप देख रहे हैं अपना ओके लाइफ केयर। और आज इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे अपने ओके लाइफ केयर के बारे में, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन पहले जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, मोदी सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्रहित में अपना योगदान दो और राष्ट्रभक्ति दिखाओ। यानी कि स्वदेशी अपना करके ही हम अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम बहुत ही तेजी से उसी पुराने वाली स्थिति में लेके आ सकते हैं जो आज से 3 या 4 महीने पहले हो रही थी, यानी कि कोरोना से पहले हो रही थी। जो कोरोना एक ऐसी महामारी ने हमारे इस अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा इधर से उधर तहस नहस कर दिया है। अब इस अर्थव्यवस्था को सुधारने में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता, केवल एक व्यक्ति पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार सकता। इसके लिए हम सब लोगों को पूरा साथ देना पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मेरा नाम है एमएस गोरा और आप देख रहे हैं अपना ओके लाइफ केयर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों जितना ज्यादा प्रोडक्ट हमारे देश में जो बन रहा है, अगर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा जो पैसा खर्च होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ही देश में घूम फिर के आ जाएगा, और कहीं ना कहीं उसी पैसे का जो भी सैलरी है, जो भी इनकम है, वो हमारे ही देशवासियों के बीच में बट जाएगा। यानी कि हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से, जो पहले वाली जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से एक उसी स्थिति में आ सकती है जैसे कि हम पिछले 4 से 5 महीने पहले जो हम अपनी जिंदगी को जी रहे थे। तो इसमें एक सबसे बड़ा मैसेज ये है, मैं आप सब लोगों को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से इतना बताना चाहूंगा कि हमारे ओके लाइफ केयर के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम एक आम मार्केट के रेट पर, ऐसे बहुत सारे नहीं बल्कि सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक आम मार्केट के रेट पर आपको मिल जाएंगे। ओके लाइफ केयर के अंदर वो सारे प्रोडक्ट हैं जो एक आम इंसान की जरूरत के प्रोडक्ट हैं, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, चाय, कॉफी, हैंड वॉश, सर्फ, साबुन वगैरह सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। अब इतने सारे प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट रेट पे अगर मिल रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है जो विदेशी कंपनियां हैं उनके सामान को परचेस करने की। क्योंकि देखिए इस समय आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब कभी भी अगर आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर, आपके समाज के अंदर जब भी कोई भी मुसीबत आती है तो बाहर के शहर का कोई भी इंसान आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कभी भी नहीं आएगा। सपोज मान के चलिए कि जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर के लोग ही, उस कॉलोनी के लोग ही या उस मोहल्ले के लोग ही आपकी उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर आपस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो भाई आपस के जो पड़ोसी होते हैं वो ही कहीं ना कहीं हमें उस झगड़े से दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि भाई अगले नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो होता क्या है, हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो ही हमें आकर के इस टाइप से हमें सहूलियत देते हैं। अब इस कंडीशन में बिल्कुल यही बात यहां पे लागू होती है, अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हमें अपने लोकल के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लोकल कंपनियों के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो भारत की कंपनियां हैं। क्योंकि जो भारत की कंपनियां हैं, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर हम उनके प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट हम ही लोग खरीदेंगे और जब लोग हम खरीदेंगे तो उससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो उससे जो कंपनी को इनकम होगी, तो वो इनकम और उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उस कंपनी में काम करने वाले लोग, वो लोग ही होंगे और वो हमारे देश के ही लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको वो इनकम भी मिलेगी, कहीं ना कहीं उनका घर फिर से उसी रूटीन पे आने लगेगा। तो आज एक जो लोकल की चीज अगर हम मार्केट से जो खरीद रहे थे, वहां हर तरह की चीज बिक रही है, वहां विदेशी कंपनियों की भी चीजें बिक रही हैं और अपने देसी चीजें भी बिक रही हैं, लेकिन अगर हमने आज अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हमें लोकल को सबसे पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। लोकल को सबसे पहले प्राथमिकता देने का रीजन भी यही है मेरा, क्योंकि अगर हमें अपना भी घर सुधारना है, आप सोच रहे हैं कि अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पता नहीं आपकी नौकरी बचेगी या आपकी नौकरी जाएगी, क्या पता। इसलिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी जो जरूरतों के डेली यूज के जो प्रोडक्ट हैं, अगर हम उन कंपनियों से खरीदना स्टार्ट कर दें जो लोकल की कंपनियां हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो भारत है, हमारा जो देश है, वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पहले जैसी हो सकती है। दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बात कही है, कोई भी कंपनी हो वो अपने देश में सबसे पहले लोकल होती है अपने देश के लिए, और दूसरी बात जब वो देश में लोकल तरीके से पूरी तरीके से विकसित होने लगती है,
वो लोकल लोकल में यानी कि अपने ही देश में जब वो पूरी तरीके से फेमस हो जाती है तभी वो ग्लोबल बनती है, उससे पहले वो ग्लोबल नहीं बन सकती। आपको पता है कि ओके लाइफ केयर का जो मिशन है वो बहुत तगड़ा मिशन है। आपको पता है कि ओके लाइफ केयर अगले 24 महीने के अंदर कहां कहां और किन किन देशों में जाने वाली है। लेकिन सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि हम आने वाले टाइम में विदेशी कंपनियों के जो सामान है वो पूरी तरीके से यूज करना बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन हर एक जब हमारे आसपास का या हमारे देश का या हमारे समाज का हमारे घर का जब कोई बुरा समय आता है तो हमें उस कंडीशन में कुछ समय के लिए एक बहुत ही कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब ऐसा ही एक डिसीजन ये भी हमारे पीएम मोदी ने लिया है कि हमें अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल की कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। अगर हम पूरी तरीके से ये ठान लेते हैं कि हम विदेशी कंपनियों के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भाई इससे हमारा भी नुकसान होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जब हम विदेश में जाएंगे तो वो हमें एंट्री नहीं होने देंगे। जब हम विदेश में जाएंगे नेपाल में बांग्लादेश में दुबई में तो वो हमें एंट्री नहीं होने देंगे। तो इसके लिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम आने वाले टाइम में हम बिल्कुल भी कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, यदि हमारे घर के जो हालात हैं वो बिगड़ चुके हैं वो किस तरीके से ठीक होंगे, वो उसी तरीके से ठीक होंगे जब हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में घूमने लगेगा, हमारे देश का पैसे से ही हमारे देश के देशवासियों को जो भी इनकम है वो उनके घर में जाने लगेगी। और जैसे जैसे ये अर्थव्यवस्था ठीक होती जाएगी उस तरीके के बाद जो हमारा पहला जैसे देश था, पहला जो हमारा भारत था, इंडिया था, फिर उसी तरीके से अपनी पुरानी पटरी पर आ जाएगा। तो आप इसका बिल्कुल भी गलत मतलब ना निकालें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं आज भी, और पीएम मोदी ने जो स्पीच दी है इसके पीछे बहुत ज़्यादा सियासत चलने लगी है, बहुत ज़्यादा राजनीति चलने लगी है कि इन्होंने ये स्पीच बहुत ही गलत दी है, सही नहीं दी है। लेकिन उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें इस समय अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अपने इस भारत को पूरी तरीके से पुरानी पटरी पर लाने के लिए हमें लोकल को सबसे पहले आज के टाइम में प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अब देखिए जो ओके लाइफ केयर है वो भी हमारी एक लोकल कंपनी है, इंडियन कंपनी है, हम अपने देश के अंदर रहते हैं। तो होता क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ओके लाइफ केयर के जो प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। इसका मेन कारण क्या है, सबसे पहला कारण क्या है इसका, ओके लाइफ केयर के ही हम प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनको भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल करिए, लेकिन एक बार आप ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी की तरफ और उसके प्राइस की तरफ भी ज़रा गौर करिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट में बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं और मार्केट में बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, अगर क्वालिटी में अगर बेस्ट है और प्राइस में सेम है, क्वालिटी में बेस्ट प्रोडक्ट है ओके लाइफ केयर के और प्राइस बिल्कुल मार्केट रेट पर है, तो मैं कहूंगा कि आप ओके लाइफ केयर के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीजन तो यही हो गया भाई, मार्केट में भी आप उतने ही पैसे दोगे और ओके लाइफ केयर में भी आप उतने ही पैसे दोगे, तो क्यों हम मार्केट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि मार्केट रेट पर आपको बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं आपके सामने प्रचार प्रसार कर रहा हूँ ओके लाइफ केयर का, और पीएम मोदी ने भी यही अपने भाषण में कहा है कि आप अपने लोकल के जो प्रोडक्ट है उनका प्रचार करिए, उनका प्रसार करिए, जिससे कि आपके देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठीक हो सके। तो मेरे कहने का मतलब भी यही है। तो दोस्तों ओके लाइफ केयर के जो प्रोडक्ट हैं उसकी तो बहुत सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि स्वदेशी ही हमें अपनाना है और अपने इस जितना भी हमारा आसपास का जो समाज है उन सभी को ओके लाइफ केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यूज करने के बारे में इनको बताना है कि भाई आप आज से यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, सेम क्वालिटी सेम प्राइस है लेकिन क्वालिटी बेहतर है इसलिए। और दूसरी बात, जिन लोगों के पास रोजगार का आज माध्यम नहीं है, जिनके पास आज नौकरी, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले जब लॉकडाउन खुलेगा तो मेरे पास नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, तो इसके लिए आप उनको एक रोजगार भी दे रहे हैं। आप उनसे कहिए कि पार्ट टाइम में आप ये काम करना भी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके 3 या 4 महीने के बाद आपके पास इतनी इनकम आने लगेगी कि आपका घर आसानी से चलने लगेगा, और लगातार आप करते रहेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट भी यहां से जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया लोकल के बारे में, यानी कि हम अपने लोकल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करना है, और सबसे पहले हमें अपने पूरे ग्लोबल इंडिया के अंदर इसको फैलाना है, उसके बाद आउट ऑफ इंडिया
हमें इसको फैलाना है, हमें इसको लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हम बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो भी मार्केट प्राइस पे दे रहे हैं। हम कोई ऑफर वगैरह नहीं दे रहे हैं कि हमने आज पहले तो बड़ा बड़ा के रेटों को हमने बेचा है, पहले तो महंगे करके प्रोडक्ट बेचे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया है, इमोशनल अत्याचार किया है। और आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी आ गई हैं जो मार्केट रेट पर और बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आ गई हैं, तो दूसरी कंपनियों ने अपने रेट भी डाउन कर दिए हैं। ये पहले इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं, आज आपको सीधे से पता है कि आपको सिर्फ डिस्काउंट के नाम पे लॉलीपॉप दे रहे हैं। डिस्काउंट के नाम पे सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हाँ चलो कहीं ना कहीं हम भी एक सस्ते रेट पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पहले से अगर आप महंगे प्रोडक्ट बेच रहे थे तो क्या आप 2 साल पहले उसको सस्ता करके नहीं बेच सकते थे? बिल्कुल बेच सकते थे। लेकिन वही हिसाब हो जाता है कि जब वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जब महंगा नेट पैक बेच रही थी और जियो के आने से इन्होंने अपने नेट पैक और अपने कॉल रेट में बहुत ज़्यादा सस्ते कर दिए थे, तभी इनको अकल आई थी कि हाँ हम नेट पैक सस्ता भी कर सकते हैं। अगर ये पहले से अगर सस्ता कर देते तो आज हो सकता है कि जियो हमारे इंडिया के अंदर नहीं होती। लेकिन जियो ने सबको सिखा दिया, अब ओके लाइफ केयर ने सबको सिखा दिया, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने भी आज घुटने टेक दिए हैं, उन्होंने भी आज ये मान लिया है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी अब महंगे प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, किसी भी हालत में नहीं बेच सकती। क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद तो ये स्थिति होने वाली है कि किसी के पास इतना पैसा ही नहीं रहेगा कि महंगे महंगे प्रोडक्ट वो खरीद सके। तो अगर कोई कंपनी आज के टाइम में अगर कोई भी रेट घटाती भी है तो आज मेरे सामने 2-3 सवाल आ रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर दूसरी कंपनियों ने रेट घटा दिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब रेट मार्केट रेट पर होगा और क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी तो बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग इसमें अपना योगदान भी देंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। लेकिन सवाल ये आता है तो अगर ये 2 साल पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन 2 साल पहले इन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा चार्ज हमसे कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमसे ये एक्स्ट्रा पैसा ले रहे थे। और आज बहुत सारे लोग ये इस मेंटलिटी के साथ भी दूसरे कंपनियों के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमें ऐसा नहीं करना है कि आज पहले तो हमें महंगा करके दे रहे थे प्रोडक्ट और आज ये जो कोरोना की स्थिति जो आ गई है इसको बहाना बना दिया है कि कोरोना की वजह से हमने ऑफर दे दिया है। लेकिन नहीं, ये कोरोना की वजह से इन्होंने ऑफर नहीं दिया है, इन्होंने केवल और केवल इस ओके लाइफ केयर की वजह से ऑफर दिया है। ओके लाइफ केयर में इतनी दम आ गई है कि उन्होंने 15-15, 20-20 साल पुरानी कंपनियों को लोहे के चने चबा दिए हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के सिर्फ ऑफर के नाम पे, आप ये देखिए ऑफर के नाम पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट के दाम कम कर दिए हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये लॉलीपॉप कब तक चलेगा, ये देखना अभी बाकी है। पिक्चर तो अभी शुरू ही है, लेकिन अपने ओके लाइफ केयर के अंदर जब से ये कंपनी शुरू हुई है तब से मार्केट रेट पर ही प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं और हमेशा जिंदगी भर आपको मार्केट रेट पर ही प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। और आने वाले टाइम में अगर जैसा भी मार्केट रहेगा, हमारा जो प्लान है, हमारे जो डीके सर की जो सोच है वो फ्लेक्सिबल सोच है, वो तुरंत अपने आप को बदलने वाले हैं, वो तुरंत अपने आप को बदल देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर का तुरंत ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। सबसे पहली बात तो हमें स्वदेशी अपनाना है, सबसे पहले चीज, जब स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में हम अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि जिन लोगों की नौकरी आज जाने वाली है या जिन लोगों को खतरा मंडरा रहा है उनके सर पे, आप उनको एक रोजगार का माध्यम भी उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि वो आने वाले 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर अपनी उसी इनकम पे आ पाए जो इनकम वो शायद आज ले पा रहे हैं, हो सकता है कि उसे एक्स्ट्रा इनकम भी वो ले पाए। तो आज दोनों को, 2 चीजें आपको अपनानी है, स्वदेशी प्रोडक्ट और दूसरों को रोजगार देना, और अपने प्रोडक्ट का बिल्कुल भी शर्माए बिना अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना है और इस स्वदेशी को बहुत ही पूरे जल्दी से पूरे इंडिया में फैलाना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विश यू सक्सेसफुल। ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं।